Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator. How are you? I'm great and I'm here to teach you Class 7 Engaging English, Chapter 10, which is a wonderful poem that talks about travel. Yes, the name of the poem is Travel Itself and it's written by Edna St. Vincent Miller. Now here, what is this entire travel poem all about? कभी कभी ऐसा होता है जब destination से ज़्यादा journey wonderful होती है Like when you are going to Kerala, when you are going to Goa, तो beach is beautiful, लेकिन आपका जो रास्ता होता है वो बहुत अच्छा होता है और ये जो ये actually एक बहुत interesting saying है you know the destination like the journey was more beautiful than the destination, or it was equally beautiful, एज द डेस्टिनेशन इसका मतलब जब आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो आपकी जो पूरी जर्नी है वो भी काफ़ी अगर खूबसूरत रही तो उसको हम कहते हैं द जर्नी वॉज़ इक्वली ब्यूटिफुल अब यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारी पोइट्स की जो कि ट्रैवल करना चाहती हैं ट्रेन में शी लव्स टू ट्रैवल इन ट्रेन वो इमेजिन करती हैं जबकि शायद ट्रेन नहीं होती वहाँ पे.

a very renowned poet. She also wrote plays and political articles. तो वो plays भी लिखती थी politics से related articles लिखती थी and was a feminist known for her progressive views. और वो एक feminist थी मतलब females के लिए she used to raise up her voice. और वो बहुत ही progressive views की थी मतलब वो दखियान उसी चीज़ें नहीं सोचती थी उनके हिसाब से equality और उनके लिए जो जो आप gender equality was a very important थिंग चाहे आप बोलो कि नहीं लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए तो उनके व्यूज़ बहुत प्रोग्रेसिव थे उनके लिए बाउंडेशंस नहीं थी फीमेल्स पे इन 1923 शी बिकेम द थर्ड वुमेन टू रिसीव द पोलिटिकल प्राइज फॉर पोएट्री फॉर हर पोम द बेलाड ऑफ द हेल्प वीवर सो नाइनटीन ट्वेंटी में शी बिकेम द थर्ड वुमेन जिनको ये अमेजिंग प्राइज मिला इतना ज़्यादा माननीय मा, मतलब क्या हुआ माना हुआ प्राइज बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सम्मान मिला फॉर ह पोम द बैलेड ऑफ द हाफ वीवर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पोम ये जो पोम है ये अभी हम जब पढ़ेंगे इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सो इफ इन केस यू हैव एनी डाउट आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं

रीड दिस पोम अबाउट द डिज़ायर टू ट्रैवल ये एक पोम है जहाँ पे हमारी पोइटस ट्रैवल नहीं कर रही है बट शी हैज़ अ डिज़ायर टू ट्रैवल डिज़ायर मतलब उनकी उनका बहुत ज़्यादा मन है विच कैन समटाइम्स बी मोर इन्जॉयबल दैन रीचिंग वंस डेस्टिनेशन और ये डिज़ायर कभी कभी ये जो आपका इमेजिनेशन होता है ये कभी कभी इतना इंटरेस्टिंग होता है डेस्टिनेशन से ज़्यादा अच्छा होता है रियालिटी से भी ज़्यादा अच्छा होता है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पोम ये बहुत छोटी सी पोम है सो लेट्स बिगिन द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइस स्पीकिंग येट देयर इजेंट ट्रेन गोज बाय ऑल डे बट आई हेयर इट्स विसल स्पीकिंग जो रेल रोड ट्रैक है वो मीलों दूर है सो द पोएट इज टेलिंग कि जो ये रेल रोड ट्रैक है जो ट्रैक्स होते हैं वो मीलों दूर है और जो दिन है वो बहुत ज़्यादा नॉइज से भरा है मतलब काम हो रहे हैं लोग बात कर रहे हैं एक सामान्य दिन है इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी डे वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है येट डे रिजेंट ट्रेन गोज बाय ऑल डे और ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो दिन भर चल रही है बट आई हेयर श्रीकिंग लेकिन मुझे ट्रेन की विसल की आवाज़ आ रही है श्रीकिंग मतलब क्या होता है जोर से चिल्लाना तो जो ट्रेन की विसल होती है वो कैसा होता है जोर से ब्लो होती है सो so, यहाँ पे देर इज नो ट्रेन दूर दूर तक कोई रेलवे लाइन भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी जो हमारी पोइटर्स है उसको वो इतनी ज़्यादा कंज्यूम्ड है ट्रेन से ट्रैवल से कि उसको ट्रेन की आवाज़ आ रही है और वो क्लियरली उसको सुनाई दे रही है ऑल नाइट देर इज एंड ट्रेन गोज़ बाय रात भर कोई ट्रेन नहीं चलती दो द नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग रात वैसे किस लिए होती है रेस्ट करने के लिए होती है सोने के लिए होती है सपने देखने के लिए होती है बट आई सी इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्काई लेकिन मुझे ट्रेन के जो सिंडर्स होते हैं सिंडर का मतलब क्या होता है एशिस बेसिकली जब ट्रेन चल रही होती है तो उसका जो धुआं निकलता है ऊपर सो शी से मुझे उसका जो सिंडर्स है वो दिख रहे हैं कि वो इमेजिन कर पा रही है कि जब ट्रेन चल रही है तो वो जो स्काई में उसका जो धुआँ है वो कैसा दिख रहा होगा एंड हेयर इट्स इंजन स्टीमिंग और उसको ट्रेन के जो इंजन की स्टीमिंग की आवाज़ आती है वो भी बहुत क्लियर आ रही है सो so यहाँ पे भी अगेन पता चल रहा है कि हमारी जो पोइटर्स हैं वो टोटली totally इन्ग्रॉस्ड हैं अपने इमेजिनेशन में माई हार्ट इज वम विद फ्रेंड्स आई मेक एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोविंग येट डेर इज एंड ट्रेन आई वुड टेक नो मैटर वेयर इट्स गोइंग माई हार्ट इज़ वॉर्म विद फ्रेंड्स आई मेक मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं एंड आई रियली लव दैम एंड आम वेरी हैप्पी राइट नाउ एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग बट दैन अकेन शी हैज अ डिजायर टू ट्रैवल क्यों क्योंकि क्यों? क्यों? उन्हें मालूम है कि जब वो नई जगह ट्रेवल करेंगी नई जगह पर जाएंगी नए लोगों से मिलेंगी तो उनके बेटर फ्रेंड्स बन सकते हैं वो फ्रेंड्स जिनको वो आज जानती भी नहीं हैं ऐसी कोई ट्रेन नहीं है ये देर इज एंट अ ट्रेन आई वुडेंट टेक मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन कहाँ जा रही है डेस्टिनेशन कहाँ है लेकिन मैं हर ट्रेन में ट्रैवल करना चाहती हूँ बेसिकली आई वॉन्ट टू ट्रैवल आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री आई डो नॉट वॉन्ट टू लिव अ मेटेन बोरिंग लाइफ आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द फ्रीडम एंड आई वॉन्ट टू जस्ट सी एवरी प्लेस नाउ

speaks of one narrator's unquenchable longing for the opportunity to escape from her everyday life. ये जो poem है travel जो कि Miss Miller ने लिखी हुई है it talks about जो हमारी narrator है हमारी जो poet है उनकी unquenchable longing. Unquenchable मतलब जो बुझाई नहीं जा सकती जैसे मुझे किसी चीज़ की प्यास है किसी चीज़ की तलब है जो बुझाई नहीं जा सकती ऐसी longing एक unquenchable longing है for the opportunity जहां वो एक अपॉर्चुनिटी सीख कर रही है कि वो किस तरीके से अपनी डे टू डे बोरिंग लाइफ से निकल जाए एस्केप कर जाए और ट्रैवल करे दैट फ्रॉम वेयर शी लिव्स देयर इज अल्स ट्रैक माइल्स है वो बिगिन होती है जहाँ पोएटिस हमें ये बताती है कि जहां वो रहती है उससे मीलों दूर एक रेल ट्रैक है इट इज़ अ फीचर इन हर लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंट ये जो ट्रेन है ये एक ऐसा फीचर है उसकी लाइफ में जो हमेशा है कॉन्स्टेंट है वो ऑल दोस्ट शी कैन नॉट फिजिकली सी इट एवरी मोमेंट अब वो मीलों दूर है वो जो रेलवे लाइन है तो क्या वो उसको देख सकती है नहीं देख सकती पूरे टाइम नहीं देख सकती लेकिन उसके बाद भी इट इज़ ऑलवेज देअ वेइंग ऑन हर माइंड लेकिन वो उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है द स्पीकर सेज दैट ऑफ ऑल द ट्रेन डेट गो बाय देयर इज़ नॉट वन दैट शी डेंट हियर जो हमारी जो स्पीकर है जो पोइटर्स है वो कह रही है कि जितनी भी ट्रेन गुजरती हैं उनको हर ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है शी इज ऑलवेज एबल टू पिक आउट द विसल श्री किंग इन अमंगस द क्योस ऑफ आर एवरी डे लाइफ आस पास लोगों की बहुत शोर है बहुत सारी बातें हो रही है लोग अपने काम कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच में भी उसको उस ट्रेन की विसल क्लियरली सुनाई देती है

स्मेल एंड लुक लाइक इफ शी वॉज डायरेक्टली बिफोर इट वॉचिंग इट पास अभी वो जो फील कर रही है एग्जैक्टली सेम फील कर रही है अगर वाकई में एक रियल ट्रेन उनके सामने हो एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स हाउ इट स्मेल्स एंड हाउ इट वु साउंड सो ऐसा लग रहा है कि वाकई सचमुच उनके सामने एक ट्रेन है इससे यह साफ जाहिर है दैट द पोट इज ऑबसे विद दिस फीलिंग ऑप्सेस्ड मतलब जब कोई फीलिंग बहुत ज्यादा आपके अंदर इंटेंसली घुस जाती है उसको बोलते हो कि आप ऑप्सेस्ड हो गए उस चीज से इन द फाइनल क्वार्रेन मतलब जो फाइनल फोर लाइन्स हैं फाइनल स्टैंडा है ऑफ ट्रैवल द स्पीकर प्रोवाइड्स द रीडर विद अ फ्यू मोर क्लूज एज टू वाई शी हैज़ बिकम सो कंज्यूम विद द साउंड एंड साइट्स ऑफ अ रेल रोड ट्रैक अब वो ये बता दिए कि क्यों वो एक जो ये रेल रोड ट्रैक के जो साउंडस हैं और उसकी जो साइट्स है इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गई इतना ऑप्शस हो गई है शी टॉक्स अबाउट द वॉम्थ शी फील टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स अब वो बता दें कि जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा लव फील करती हैं वॉम्थ फील करती हैं शी डज़ नॉट डिसलाइक हर लाइफ वो अपनी लाइफ को नापसंद नहीं करती है इट इज़ फुल ऑफ़ गुड फ्रेंड्स दैट फुलफ़िल दैट पार्ट ऑफ हर उनकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं द line लाइन सेज दैट are आर बेटर फ्रेंड्स आउट देयर दैट शी know नॉट बी not be बिकॉज शी कैन नॉट बोर्ड अ ट्रेन लेकिन second लाइन बोलती है कि हो सकता है और अच्छे फ्रेंड्स हो दूसरी जगह पे, दूसरे लोग मिले मैं नए फ्रेंड्स बनाऊं। लेकिन ये उनकी एक डिज़ायर है जो कंप्लीट नहीं हो सकती बिकॉज वो एक ट्रेन बोर्ड नहीं कर पा रही है the speaker concludes that she doesn't care where the trains are going. अब जो speaker है वो बोल रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ये जो ट्रेन से ये कहाँ जा रही हैं She would get on any one of them without even considering the destination. बस उन्हें अगर एक opportunity मिले तो वो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएंगी Without even care, uh, like taking any care about the destination. Her greatest desire is to travel. उनकी सबसे बड़ी इच्छा सबसे बड़ी डिजायर क्या है वो ट्रैवल करना चाहती है so, सो पोम में हमने एक लिटरे डिवाइस यूज करी है विच इज हेयर बट आई सी इट सेंडर्स रेड ऑन द स्काई अब ये जो है ये एक इमेजरी इसमें हमने इमेजरी बहुत यूज करी है इमेजरी मतलब जहां विजुलाइज़ विजुअलाइज कर पाते हो जैसे यहां पे उसमें बोला कि स्मोक दिख रहा है तो आप

इसका स्ट्रक्चर कैसा है वी नो की जो ट्रैवल वाली जो पोम है ये एक छोटी सी थ्री स्टैंडा पोम है जिसमें हर इसमें हर स्टैंडा में फोर लाइंस हैं, जिसे हम कॉट्रेन कहते हैं और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन राइम करती है सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन राइम करती है

हाउ इज़ शी एबल टू हेयर द नॉइस ऑफ अ ट्रेन ट्रेन की उसको आवाज़ कैसे आ रही है इतने शोर शराबे में द पोएट लव्स ट्रैवलिंग ऑल दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड एट टाइम्स मेक्स हर सफर अ लॉर्ड जो पोएट है उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है एंड ऑल दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वो ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं लेकिन उसके बाद भी मतलब वो कभी कभी उसकी वजह से उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है बट शी लव्स ट्रैवलिंग

मतलब ये जो उनकी इच्छा है ट्रैवल करने की वो इतनी ज़्यादा है कि वो पोइट इमेजिन करती हैं जैसे कि उनको ट्रेन की विसल की आवाज़ आ रही है द सॉन्ग ऑफ द विसल इज़ हर्ड बाय हर ड्यूरिंग द डे इवन वेन देर आर पीपल अराउंड हर मेकिंग अ लॉर्ड ऑफ नॉइस तो ये जो सॉन्ग सॉन्ग मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो ने की तरह है तो आप इसको साउंड भी कर सकते हो कि जो साउंड है ना विसल का ये इनको दिन के टाइम पे भी आता है जबकि उस वक्त उनके आसपास इतनी ज्यादा आवाजें आ रही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें लगता है रात में भी ट्रेन चलती हैं? नहीं चलती हैं। पोम फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंड ऑल नाइट डे अ ट्रेन गोज बाय रात भर कोई एक सिंगल ट्रेन भी नहीं चलती है ये जो सेकेंड स्टैंडा का फर्स्ट लाइन है टेल दैट ट्रेन डो नॉट प्लाई एट नाइट यही हमें बताते हैं कि जो प्लाई ये प्लाई है प्लाई का मतलब है नहीं चलती हैं ऑल दो नो ट्रेन पैसेज बाय बट पोएट विजुअलाइजेज द ट्रेल ऑफ स्मोक लेफ्ट बाय ट्रेन दैट हैज पैस बाई रात भर कोई ट्रेन नहीं चल रही है उसके बाद भी जो हमारी पोइट है वो विजुअलाइज करती हैं कि जब ट्रेन चलती है तो उसका जो स्मोक आता है जो स्काई में जाता है वो कैसा दिख रहा है दिस इज अ विजुअल इमेजरी विच अपील्स टू आर सेंसेस और ये विजुअल इमेज इमेजरी जो है वो हमारी सेंसेस को मतलब हम इमेजिन कर पाते हैं कि पोएट क्या महसूस कर रही है क्या फील कर रही है

Next is answer these questions with reference to context. अब आपको पोम की दी आप हैं, आपसे किए एक्सप्लेनेशन में हमने समझा था सिंडर क्या होता है धुआं एशेस बेसिकली कि जब आपकी ट्रेन चलती है जो स्टीम इंजिन होती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उसे कहा गया है सिंडर ओके okay? Who is referred to as I in the poem? What kind of a person do you think he or she is? तो वो यहाँ पे कह रही है but I see who is I in the poem? The poetess itself. In the poem, the poet is referred to as I. ये जो हमारी जो poetess हैं उन्हीं को हमने I कहा है The poet loves to make friends. अब यहाँ पे पूछा गया है poem जो हमारी poet हैं वो किस तरीके का character है उनका मतलब वो किस तरीके की जो है female हैं द पोएट लवस टू मेक फ्रेंड्स ये हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि पोएट जो है उनको दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है ड्यूरिंग हर ट्रैवल शी फील्स वेरी हैप्पी वन शी थिंक्स अबाउट द पीपल होम शी मीट्स ड्यूरिंग द जर्नी जब वो लोगों से मिलती है ड्यूरिंग द जर्नी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है शी डिज़ायर्स टू टेक अप ट्रैवल ये है हमारा सेकेंड पॉइंट कि उनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है ऑल दो दर्नी इज़ डिफ़िकल्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड डेंजरस चाहे आपकी जो जर्नी है वो मुश्किल हो बहुत ज्यादा उसमें वक्त लगे या वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो स्टिल वट इज इंपॉर्टेंट टू हर ट्रैवल नेक्स्ट क्वेश्चन है ज ऑफ द ट्रेन एक्टिविटीड इन दिस टा हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द प्रीवियस टेंसा अब इस टेंसा में कौन सी पर्टिकुलर जो इमेज है ट्रेन की वो आपको समझ में आ रही है जो ये बता रही है कि उसका स्मोक दिख रहा है चलते हुए दिख रही है इन दिस टेंस द पोएट विजुअलाइज द ट्रेल ऑफ स्मोक लेफ्ट बाय ट्रेन अंडरस्टैंड दिस थिंग सिंडर वाली जो लाइन है उसमें वो क्या इमेजिन कर रही है वो विजुअलाइज कर रही है इमेजिन कर रही है उसे दिख रहा है द ट्रेल ऑफ स्मोक लेफ्ट बाय द ट्रेन मतलब जो ट्रेन में से जो धुआं आ रहा है उसका ट्रेल दिख रहा है उसको जाते हुए दिख रहा है वो दिस अपील्स टू आर सेंस ऑफ साइट और ये जो क्या है ये हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करती है प्रीवियस टैंसा में क्या था इन द प्रीवियस टेंसा द पोएट टॉक्स अबाउट हियरिंग द अबाउटिंग साउंड मेड बाय द ट्रेन मतलब पहले वाले में हमें साउंड इमेजरी यूज किया था कि उसने बोला जो श्रीकिंग साउंड है उसका वो सुनाई दे रहा था इसमें उसको उसका स्मोक दिखाई दे रहा है दिस इज एन ऑडिटरी इमेज इमेजरी दिस इज एन ऑडिटरी इमेजरी वेर द पोएट कैन हेयर साउंड विच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट तो यहाँ पे ये ऑडिटरी इमेज है ये विजुअलाइज कर रही है यहाँ पे सॉरी ये इमेजिन कर रही है कि, कि किस तरीके से उसका साउंड आ रहा होगा तो बेसिकली फर्स्ट स्टैंसा में हमने उसके श्रीकिंग साउंड के बारे में बताया गया है जो वो इमेजिन कर रही है और सेकेंड स्टैंडा में हमें उसको उसका जो स्मोक है वो विजुअलाइज किया है बहुत सिंपल सा आंसर है नेक्स्ट देख लेते हैं आर सिंडर्स रियली रेड वाई आर सिंडर है क्या वो वाकई रेड कलर का होता है नहीं तो इस कलर का क्यों कहा गया है अब सिंडर जो होता है जब आप ट्रेन के स्मोक की बात करते हो ठीक है तो वो तो ग्रे कलर का होता है लेकिन यहाँ पे सिंडर की बात करेंगे सिंडर मतलब क्या होता है जो कोल होता है जब उसे जल जाता है और अब जब वो पूरा एश ऐश टाइप का होता है लेकिन थोड़ा अभी भी जल रहा होता है तो वो रेड कलर का दिखता है जैसे आप उसको ब्लो करते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है आर नोन एज सिंडर्स सिंडर्स आर रेड दिस इज सो बिकॉज कोल वेन बर्न इन टू एशस हैज सम बर्निंग कोल इन इट जब कोल जो है जल रहा होता है और एशियस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसमें जो बर्निंग कोल हो रहा होता है वो हमेशा जो है सिंडर को रेड कलर का बना देता है अंडरस्ट क्लियर विद दिस तो आप क्या बोलोगे हाँ सिंडर्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं यहां पे हमने क्यों बोला है सिंडर को रेड क्योंकि जो कोल है जब आप उसको जलाते हो जब वो एश में कन्वर्ट होता है तो उसमें अभी भी कुछ जलता हुआ कोल होता है तो जब आप उसे ब्लो करते हो तो वो रेड कलर का दिखता है ओके माई हार्ट इज वर्म विथ फ्रेंड्स आई मेक एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग अब ये आपको सेकेंड कॉन्टेक्ट दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है

जो उसके ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ये कौन हैं जिनसे वो पहले जब जर्नी कर चुकी हैं ट्रैवल कर चुकी हैं उनसे वो जो मिली हैं वो उनके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं एंड शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ लेकिन अब वो और ट्रैवल करना चाहती है और बेटर फ्रेंड्स बनाना चाहती हैं तो हम आंसर को एक बार फिर से समझेंगे द थॉट ऑफ द अन नोन ट्रैवलर शी हैड मेट ड्यूरिंग हर प्रीवियस जर्नी जो हम उसकी जो पिछली जितनी भी जर्नीज हैं उनमें जो अनोन मतलब अनजान ट्रैवलर से जो मिली थी और जिनको उन्होंने बहुत अच्छा दोस्त बनाया उस थॉट को सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश है दीज अननोन पीपल हैव नाउ बिकम हर फ्रेंड्स ये अनोन पीपल अब उसके फ्रेंड्स बन गए हैं शी फील्स हैप्पी थिंकिंग ऑफ गोइंग वेयर शी वुड मेक मोर फ्रेंड्स वो बहुत खुश है ये जान के कि वो आगे जाके यू you नो know, कहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगी और ट्रेवल करेंगी और जर्नी में जाएंगी और वो बहुत सारे नए दोस्त बनाएंगी एक्सप्लेन द सेकेंड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट ये जो सेकेंड लाइन है सेकेंड लाइन कौन सी है यहाँ पे एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग The second line and better friends I will not be knowing tells us that the poet is eagerly waiting to meet the unknown people who can become her friends. So ये कहना चाहती है second line कि वो बहुत ज़्यादा eagerly wait कर रही है किसी journey में जाने की कहीं travel करने की ताकि वो फिर लोगों को unknown लोगों को अपना friend बना सके What are the poet's views about travel? Poet के travel के बारे में क्या views हैं Though travel could be extremely difficult, time consuming, and dangerous, yet the poet would love to travel as it gives her great pleasure and she comes across strangers who later on become friends. तो जो ट्रैवल होता है वो कब एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है और वो डेंजरस भी हो सकता है उसके बाद भी वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी देता है एंड शी कम्स अक्रॉस स्ट्रेंजर्स और वो बहुत सारे स्ट्रेंजर्स से मिलती है जो लेटर ऑन उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो फॉर हर ट्रैवल इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट एंड शी लव्स टू ट्रैवल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द पोएट केयर अबाउट हर डेस्टिनेशन ऑन अ ट्रेन जर्नी जो पोएट है उनको जर्नी इंपॉर्टेंट है उनके लिए डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा क्यों द पोएट केयर वेयर द ट्रेन आर गोइंग शी वुड गेट ऑन एनी वन ऑफ देम विदाउट इवन कंसिडरिंग द डेस्टिनेशन जो पोएट है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन कहाँ जा रही है वो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएंगी विदाउट इवन

क्या कि एक मंडेन लाइफ से हटके एक एडवेंचरस लाइफ जियो विथ ऑपर्चुनिटी टू मीट न्यू फ्रेंड्स एंड गेट न्यू एक्सपीरियंसेस जहां उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले कि वो नए फ्रेंड्स से मिले और नए एक्सपीरियंसेस गेन करें अंडरस्टूड चलिए आगे बढ़े इन दिस पोम

लाइफ लाइक दैट वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाना चाहती है वो ट्रेवल करना चाहती है शी डजेंट वॉन्ट टू ट्रैवल क्यों क्योंकि उन्हें एक जगह पहुंचना है वो ट्रैवल करना चाहती है क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस को गेन करना चाहती हैं तो हम इस आंसर में क्या लिखेंगे येस इट इज क्लियरली विजिबल दैट द पोएट इज टॉकिंग मेटाफॉरिकली द थर्ड स्टैंड टॉक्स अबाउट हर डिजायर टू ट्रैवल एंड मीट न्यू एक्सपीरियंसिस एंड गेट आउट ऑफ द मंडे इन लाइफ दर्ड स्टैंड है वो क्लियरली स्टेट करता है कि वो नए एक्सपीरियंसेस जानना चाहती हैं ट्रैवल करना चाहती हैं और इस मंडेन लाइफ से बाहर निकलना चाहती हैं अब हमारे पास क्वेश्चन है कि अलग अलग तरीके के ट्रैवलर्स होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के ट्रैवलर्स होते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि समवन हु ट्रैवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू एंड फ्रॉम वर्क जो बहुत बार जो है काम के लिए जैसे कि मान लो कि मैं भोपाल में रहती हूँ सो भोपाल से सीहोर इज लाइक ऑलमोस्ट फोर्टी फोर्टी फाइव किलोमीटर्स तो कोई जो है टू एंड फ्रो जाता है काम के लिए जाता है फिर आता है तो उसको बोलते हैं कम्यूटर देन अ पर्सन हु ट्रेवल्स रेगुलरली टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इसके लिए द वर्ड इज ग्लोब ट्रॉटर जो पूरे ग्लोब में घूमता रहता है अलग अलग कंट्रीज में द वर्ड इज ग्लोब ट्रॉट गोज ऑन अलिडे ऑल ऑन कैरिंगमेंट एंड क्लोथ इन अ बैक पैक कोई जो एक हॉलीडे के लिए जाता है लाइक like मी जो बस एक बैक पैक लेके जाना पसंद करता है एंड दैट इज इट उन्हें बोलते हैं बैक पर्सन ट्रेवलिंग टू अली प्लेस जो एक होली प्लेस में जाना चाहते हैं लेस फ्रिक्वेंटेड प्लेस कुछ लोग जो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हर कोई नहीं चाहता बेसिकली वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सप्लोर ओके okay? अब है आपके पास कंप्लीट देंटेंसेज विथ विच है वॉटवर नो मैटर और हाउ एवर तो जैसे विच एवर मतलब कोई सी भी वॉट एवर मतलब जो भी हाउ एवर मतलब कैसा भी नो no मैटर मतलब कोई मतलब नहीं है क्या है लेकिन आप सेंटेंसेस में अलग तरीके से यूज करते हो जैसे कि द वेट रियलाइज दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सेव द इंजर्ड लायन कितना भी वो ट्राई करे मतलब वो कितना भी ट्राई करे हाउ एवर हार्ड ही ट्राइड हाउ एवर हार्ड्राइ कितना भी वो ट्राई करे वो उस लाइन को नहीं बचा सकता तो यहाँ हम यूज क्या करेंगे हाउ एवर नेक्स्ट इज माई मदर आज मी टू कॉल हर आफ्टर आई रीच न्यूयॉर्क डैश वॉज द टाइम कितना भी बच रहा हो मेरी मम्मा ने बोला जैसे ही तुम जो हो न्यूयॉर्क पहुंच जाओ मुझे कॉल करना कितना भी टाइम हो रहा हो नो मैटर वॉट द टाइम वॉज नो मैटर वॉट द टाइम वॉज कितना भी टाइम हो रहा हो इट विल टेक यू टू आवर्स टू रीच होम डैश रोड यू टेक तुम कोई भी रोड लो तुम्हें कम से कम दो घंटा घर पहुंचने के लिए लगेगा तुम कोई सी भी रोड लो विच एवर रोड तुम लो ओके डैश यू डू यू डोंट गेट इन टू द फॉरेस्ट आफ्टर डार्क तुम कुछ भी करना लेकिन रात में जंगल में मत जाना वॉट एवर यू डू जो भी करो लेकिन रात में जंगल में जाना मत डैश वेर यू गो ऑलवेज रिमेम्बर वेर यू केम फ्रॉम नो मैटर वेर यू गो मतलब तुम कहीं पर भी जाओ ये मत भूलना तुम कहाँ से आई हो डैश हाउस यू बाय मेक श्योर डेट इट इज वेल वेंटिलेटेड अब तुम कोई सा भी घर लो तो विथ एवर हाउस यू बाय जो भी घर तुम ले रही हो हमेशा याद रखना कि वो बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए मतलब उसमें हवा अच्छे से आनी चाहिए सो दीज आज आज आंसर्स अब हम आते हैं टेंसेस में सो so, अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए है, हैं वर्ब्स दिए हैं यहाँ पे आपको राइट टेंस यूज करना है ओके प्रेरणा डैश ऑल मॉर्निंग ऑन संडे प्रेरणा जो है वो पूरी मॉर्निंग संडे को जो है वो सिंग कर रही थी सो so, प्रेरणा वाज प्रेरणा सैंग मतलब प्रेरणा ने पूरी मॉर्निंग गाया था सो शी हम सिंपली सिंपल पास टेंस यूज करेंगे जिसमें हमने लिखा प्रेरणा अब इसमें जरूरी नहीं है एक ही टेंस है अगर मैं ये कहूं कि प्रेरणा संडे को पूरी मॉर्निंग गा रही थी तो मैं बोलूंगी प्रेरणा वॉज सिंगिंग ऑल मॉर्निंग ऑन संडे ओके अब क्या है विंसेंट डैश ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड विंसेंट ड्रीम करता है कि उसको पूरी दुनिया में ट्रैवल करना है वो ड्रीम करता है अब इसमें मैं सिंपल प्रेजेंटेंस यूज करूँगी विंसेंट ड्रीम्स वो ड्रीम करता है लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो ड्रीम करता था तो भी गलत नहीं होगा ही ड्रीमड ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ये भी गलत नहीं है राइट नेक्स्ट इज आई डैश इन हिज ऑफिस फॉर सेवन ईयर्स अब यहां पे मैं उसके ऑफिस में सात साल से काम कर रही हूं या सात साल से काम कर रही थी दोनों लिख सकती हूँ सो आई हैव बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस फॉर आई हैड बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस फॉर सेवन ईयर्स दोनों सही हो जाएंगे शी डैश हो लंच आफ्टर अदर्स फिनिश देस उसने अपना लंच खाया जब बाकी लोगों का खत्म हो गया अब ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो वो अपना खाएगी जब बाकी लोगों का यू नो व्हेन अदर आफ्टर द अदर्स सिंपल बोलो उसने अपना लंच खाया था ओके okay? ये रहे हम एस लगा देंगे क्योंकि सिंबल सिंगल सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है अब है फूड एंड वाटर डैश इन शॉर्ट सप्लाई ड्यूरिंग अ ड्रॉट ड्रॉट के टाइम पे फूड और वाटर कम सप्लाई में होता है ड्रॉट मतलब जब पूरा जो है आपका सूखा अकाल पड़ जाता है तब फूड और वाटर कम सप्लाई में होता है फूड एंड वाटर यहाँ पे हम एक कंपाउंड नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे आर यूज नहीं करेंगे बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश थर्टी ईयर्स ऑफ सर्विस इन द स्कूल इस टाइम तक नेक्स्ट ईयर वो स्कूल में तीस साल का जॉब कंप्लीट कर चुकी होगी हमें यहाँ यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस शी विल हैव कंप्लीटेड थर्टी इयर्स ऑफ सर्विस इन द स्कूल दे डैश द वर्क बिफोर द टीचर डैश फॉर इट अब यहाँ पे क्या है दे फिनिश द वर्क बिफोर द टीचर आज फॉर इट ये भी बोल सकते हो कि उन्होंने फिनिश कर लिया था टीचर के पूछने से पहले या ये बोल सकते हो वो फिनिश कर लेंगे तो आप इसमें दे हैड फिनिश भी बोल सकते हो दे फिनिश्ड भी आ सकता है दे विल फिनिश भी आ सकता है एवरीथिंग इज राइट शी प्लेस टेनिस रेगुलरली अब ये एक रेगुलर बात है हेबिट की बात है तो हम इसमें सिंपल प्रजेंट ही यूज करेंगे लेकिन अगर आप चाहो तो शी प्लेड टेनिस रेगुलरली भी बोल सकते हो वो भी गलत नहीं होगा शी इज प्लेइंग इन अ टूर्नामेंट राइट नाउ इस वक्त वही टूर्नामेंट में खेल रही है ओके okay? अब हम आ जाते हैं अपोस ट्रॉफी में अपोस ट्रॉफी क्या होता है जब आप किसी सेंटेंस में क्या, या तो कोई पोजीशन बताते हो स्वाति का पेन स्वाति पेन ओके okay? अभिनव की गाड़ी अभिनव कार या मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूं जैसे मैंने इट इज की जगह लिख दिया इट इज ओके सो अब करना क्या है यहां जैसे कि देर इजेंट अ ट्रेन आई वुडेंट टेक इज इज वर्ट इज नॉट वुडेंट इज वट वुड नॉट माई हार्ट माई हार्ट इज वॉर्म विद फ्रेंड्स आई मेक अब हार्ट इज है ये ओके okay? करना क्या है आपको यहां आ जाते हैं क्वेश्चन में चलिए यहां पर आ जाते हैं ओके okay? क्योंकि इसी के थ्रू में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी रीराइट देंटेंस इज बाई एक्सपैंडिंग द शॉर्ट एंड वर्सन अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट एंड वर्सन दिया हुआ है आपको इसको री राइट करना है एक्सपैंड करके सो यू हैव टू फर्स्ट रीड द सेंटेंस अंडरस्टैंड बिकॉज शी इज और शी हैज दोनों में अपोस्ट्रोफी एस आता है शी हैड और शी वुड में दोनों में अपोस्ट्रॉफी डी आता है तो यू हैव टू रीड द सेंटेंस अंडरस्टैंड द टेंस एंड देन वी विल राइट दस अब यहां जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है शी इज प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द बैडमिंटन मैच शी शी वुड और शी हैड हैव टू बी एट हर बेस्ट टू डिफीट हर ओपोनेंट देखो ना द नाउ द थिंग इज दैट आई कैन Easily identify, लेकिन आप कैसे करोगे शी के साथ जब अपोस्टो एस आता है तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं एक होता है कुछ हो नहीं होगा ओके अब शी है has का मतलब होता है परफेक्टेंस इसका मतलब वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा लाइक ईटन ब्रोकन और उस तरीके से अब यहाँ देखो शी डैश प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस है इसमें आपको हैज और हैव तो आएगा ही नहीं वरना बीन भी आएगा तो आप बोलोगे शी इज प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द बैडमिंटन मैच सिमिलरली उसको जो है शी हैड हैव हैव टू टू बी नहीं शी वुड बी इसका मतलब क्या है शी वुड हैव टू बी एट हो बेस्ट टू डिफीट हर ओपोनेंट अगर शी हेड हैव टू भी नहीं बोलेंगे उसको करना चाहिए उसको करना पड़ेगा तो हम विल करेंगे विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड अब हैवेंट यू फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक येट इट इज सच अ क्विक रीड हैवेंट यू फिनिश्ड जो एन हैवेंट ये जो एन अपोस्ट्रोफिटी होता है एन अपोस्ट्रोफिटी इसका मतलब होता है नॉट अब क्या बोलोगे हैव नॉट यू फिनिश्ड नहीं हैव यू नॉट फिनिश्ड ये हो जाएगा हैव यू नॉट फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक येट अब ये कितनी क्विक रीड है क्विक रीड मतलब जो बुक्स होती हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं इट इज ये क्या हो जाएगा इट इज सच अ क्विक रीड सिमिलरली यहाँ देखो दे आर रेजिंग टू स्टार्ट स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन इन द लोकलिटी डेविड एस डोनेटेड सम मनी टू देम अब यहाँ देखो दे नहीं अब यहाँ पे आप बोलोगे दे वर या दे आर दोनों हो सकता है डेविड उसने डेविड ने, ने कुछ पैसे डोनेट किए हैं डेविड ने अब डोनेटेड जो है ये तुम्हारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो डेविड वॉज डोनेटेड तो नहीं होगा डेविड हैज डोनेटेड होगा तो ये हो जाएगा हैज हैज डेविड डोनेटेड और ये हो जाएगा दे आर रेजिंग क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं दे आर रेजिंग फंड टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रेन इन द लोकैलिटी डेविड हैज डोनेटेड सम मनी टू देम इट डी

क्या है आपको एक्सपेंडेड वर्जन दिया हुआ है आपको सही जगह पे बेसिकली एक्सपेंडेड वर्जन भी नहीं दिया आपको बस सही जगह पर पोस्ट ऑफिस फिल करना है स्कूल स्टार्ट इन थ्री वीक्स टाइम थ्री वीक के टाइम में तो यहाँ पे थ्री वीक्स टाइम ओके नेक्स्ट इज इट्स अ इट्सिफुल डे इट इज अ ब्यूटिफुल डे तो यहाँ पे इट के बाद आएगी इट इज अ अफुल डे एंड आई हैव के बाद आएगा पोस्ट्रॉफी फिर आएगा वी आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम हैज एनी वन सीन फ्रांसिस कैट फ्रांसिस की कैट अब यहाँ पे फ्रांसिस उसका नाम है फ्रांसिस उसका नाम है अब नाम के बाद फ्रांसिस तो नहीं हो जाएगा ना तो आप ये नहीं लगाओगे बस इसके लास्ट में एक अपोस्ट्रॉफी लगा दोगे हैव यू सीन फ्रांसिस कैट इट्स बोल उसका बोल सो यहाँ पे इट्स में अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा इट्स में अगर अपोस्ट्रॉफी लगाते हो तो उसका मतलब होता है ये है और अगर इट्स में अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते तो उसका मतलब होता है इसका इसका बोल इस ओवरटर्नड एंड देयर आर स्क्रैचेस ऑल ओवर द डोर्स हु इज द पार्टीज कैंडिडेट पार्टी का कैंडिडेट तो ये पार्टी के बाद आ जाएगा एपोस्ट्रोफी पार्टीज कैंडिडेट फॉर दिस ईयर सिलेक्शन, दिस ईयर का इलेक्शन तो ये आ जाएगा अगेन यहां पे एपोस्ट्रोफी द गेस्ट कोट्स शुड बी हंग ऑन द रैक बिसाइड द डोर गेस्ट के जो कोट हैं तो यहाँ पे गेस्ट के बाद आप क्योंकि गेस्ट बहुत सारे हैं प्लूरल है तो आप इसके बाद अब लगाओगे ऑलवेज रिमेंबर अगर मैं बोलूं एप्पल्स का जो कवर है एप्पल का कवर तो मैंने बता दिया एप्पल्स कवर लेकिन अगर प्लूरल है एप्पल्स तो मैं इसमें अब लगा के छोड़ दूंगी एस नहीं लगाऊंगी प्लूरल में एस नहीं लगता आई स्टडीड इन सेंट पॉल स्कूल सेंट पॉल स्कूल तो यहां आ जाएगा अपोस्ट्रॉफी फॉर टू ईर्स वॉज उनका अब यहां पे कोई अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी द ओल्डेस्ट फुटबॉल टीम इन द टाउन ओके ये पोस्ट्रॉफी नहीं आएगा अब एक क्लियर दिस चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमें जो है होमोफोन्स दिए हुए होमोफोन्स क्या होते हैं होमो मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड वो वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग अलग होती है जैसे कि बाय और बाय ये दोनों बाय ही है साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है इन्हें हम कहते हैं होमोफोन और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं सो अब हमें इन सेंटेंसेस में करेक्ट वर्ड यूज करना है टू बी स्ट्रॉन्ग ब्रीविंग आउटसाइड यहाँ पेम्स नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एस डबल ई एम जिसका मतलब होता है लगता है देन द सीम्स ऑफ माई न्यू जैकेट केम अपार्ट आफ्टर आई वो एड फॉर द फर्स्ट टाइम सीम्स मतलब जो उसके पूरे कोने हो जाते वो पूरे निकल आए और जब मैंने उसे एक ही बार पहना था तो आप समझ गए कि यहाँ पे इसके दो अलग अलग मीनिंग है अ ग्रेट व्यू अब एक ग्रेट का मतलब होता है वाव महान और एक ग्रेट का मतलब होता है घीसना जैसे कि आप कैरेट को ग्रेट करके उसका हलवा बनाते हो ओके okay? तो अब इसका सेंटेंस बना के बताओ लाइक प्लीज ग्रेट द कैरेट और प्लीज ग्रेट द दिनियंस एनीथिंग ओके अब नेक्स्ट क्या है और यू कैन से तो यहां पे हमने अलग वाले सेकेंड वाले का व्यू बनाना था हमको

स्ट्रेट इज नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर ज्वाइनिंग टू लैंड मास्ट तो नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर जो दो लैंड मार्स को ज्वाइन करती है उसे स्ट्रेट कहते हैं मतलब पानी की एक पतली सी धारा उसका स्पेलिंग होता है एस टी आर ए आई टी और एस टी आर ए आई जी एच टी का मतलब होता है सीधा और स्टैंड स्ट्रेट यू कैन जस्ट मेक अ सिंपल सेंटेंस ओके नेक्स्ट क्या है देर आर फाइव एक्ट इन मोस्ट ऑफ शेक्सपिय प्लेस देर आर पूरे टोटल कितने हैं तो देर मतलब होता है उनका देर मतलब इसमें कितने हैं यहां कितने स्ट्रोंग थिक्सिंग और जोप कॉर्ड यहाँ पे किसकी बात हो रही है सी एच ओ आर डी नॉट सी ओ आर डी वो कॉर्ड लेवल ऑयल हो जाएगा अब है हमारे इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सो so, सपोज आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी जाने को मिले आपको उस जगह का एक ट्रेवल ट्रैवल ब्रोशर बनाना है ट्रैवल ब्रोशर का मतलब क्या होता है जिसमें आप लिखोगे वहाँ पे घूमने वाली जगह कौन कौन सी है वहाँ पे जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको गोवा आना चाहिए आप बोलोगे क्यों आना चाहिए मैं आपको एक ब्रोशर दूंगी उसमें लिखा है गोवा में आप क्या क्या कर सकते हो कौन कौन सी जगह घूम सकते हो कहाँ रह सकते हो क्या खा सकते हो कहाँ शॉपिंग कर सकते हो इसे बोलते हैं ट्रेवल ट्रेवल ब्रोशर तो यहां हमने एक ट्रेवल ब्रोशर बनाया फटाक से देख लेते so, ये है पॉकेट साइज पैराडाइज क्या है गोवा सो so, इसमें है सबसे पहले टॉप फाइव प्लेसेस टू विजिट Like a Agoda uh, Fort, Agoda Fort seems like a perfect destination for a bright evening. Sri Mangeshi Temple, one of the most beautiful temples dedicated to Lord Shiva, and also considered as one of the most important temples in Goa. Then, Old Goa ke churches, very famous. The Old Goa location is a UNESCO World Heritage Site. Did you know that? Also known as the old capital of Goa during the Portuguese regime. पोर्चुगीज के टाइम पे जो ओल्ड कैपिटल था वो ओल्ड गोवा ही था देन पेलोलिम बीच बहुत फेमस है वो वहाँ पे अ सीनिक बीच इन एक्सट्रीम साउथ गोवा विथ सीनिक रॉक्स एंड आइलैंड्स ऑफ इट शोज गुड ईटिंग ऑप्शन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैन बी इंजॉयड एट इट्स बेस्ट ऑन दिस बीच फिर है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में है भगवान महावीर सेंचुरी एंड मॉडर्न नेशनल पार्क ये ट्वेंटी स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है प्रोटेक्टेड एरिया है इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया अब वेयर टू स्टे इन गोवा अब ऑब्वियसली आई हैव जस्ट पिक्ड अप सम रैंडम नेम्स जैसे कि सूर्य किरण हेरिटेज होटल फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है विवांता गोवा पंजी उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फिर फोर्ट टेराकोल हेरिटेज होटल उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया ये सब मैंने जो है ट्रिवागो एंड मेक माई ट्रिप से लिया हुआ है देन वाटर स्पोर्ट्स इन गोवा सो यू कैन टॉक अबाउट बनाना राइड्स यू कैन टॉक अबाउट जेट स्कीइंग यू कैन टॉक अबाउट पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग एंड वॉट नॉट दैट इज इट थैंक यू सो मच गाइज मन किया या नहीं किया गोवा जाने का मेरा तो बहुत सोस से किया सो वी विल गो वंस आर एग्जाम्स आर ओवर एंड वी लाइक मेक श्योर sure कि हमारे जो पूरे मार्क्स हैं वो फुल फुल आ चुके हैं क्यों क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है कर रहे हो ना आप लोग अच्छे से पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करना ओके सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजिट अ वेबसाइट विच इज़ मैक एट ड्रींस डॉट कॉम चाहे मैथ्स है इंग्लिश है एस एस टी है या आपको हिंदी पढ़ना है संस्कृत पढ़ना है इट इज़ एवरी थिंग इज अवेलेबल हेयर दैट टू फोर फ्री जस्ट गो क्लिक ऑन द क्लास Click on the subject, then click on the topic you wish to study, and your video will appear. That's it. Do not forget to like, subscribe, and share. Take care.